आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल में एक बार ठंड के वक्त मैं अपने गांव जरूर जाया करता था, क्योंकि गांव में जितनी ज्यादा ठंड पड़ती थी उतना ही ज्यादा मजा आता था। अंधेरा होते ही लोग जगह जगह पर आग जलाकर तापा करते थे और साथ ही साथ उसी आग में आलू भूनकर खाया करते थे। ये उस समय की घटना है जब हमारे गांव में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही गांव में किसी के पास मोबाइल फोन था, जिस कारण उस समय सभी लोगों के पास वक्त ही वक्त रहता था। उस समय लोग दिन के वक्त अपना सारा काम खत्म कर लेते थे ताकि रात के अंधेरे में उनको काम ना करना पड़े। उस वक्त हमारे गांव में रात के समय लोग अपने अपने घरों में लालटेन जलाया करते थे। अभी जैसे सभी लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करता था, उस वक्त हमारे गांव में अंधेरा होते ही सभी लोगों के पास उसी तरह एक टॉर्च हुआ करता था। मेरे गांव जाने का एक कारण ये भी था कि उस समय अंधेरा होते ही मैं और मेरे दो तीन गांव के दोस्त हम सब मिलकर रोज रामू काका के चाय की दुकान पर जाते थे और चाय पीते पीते काफ़ी सारी बातें किया करते थे। ऐसे ही एक बार मैं गांव गया हुआ था तो एक साल के बाद अपने गांव के दोस्तों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और हर बार की तरह हम सभी मिलकर रामू काका के चाय की दुकान पर चाय पीने गए तो रामू काका भी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। अभी हम सभी दोस्त बैठकर चाय पी ही रहे थे कि तभी रामू काका ने कहा, तुम लोग अब घर जाओ, पता है ना गांव की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। रामू काका की ये बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला रामू काका हमें घर जाने को क्यों बोल रहे हैं और गांव में क्या हो रहा है। रामू काका की ये बात मेरे समझ से बाहर थी। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों से पूछ पाऊं कि तभी मेरा एक दोस्त अनिल चाय पीकर प्याला फेंकते हुए बोला, हाँ यार अब हमें निकलना चाहिए। उसके इतना बोलते ही मेरे बाकी के दोस्त उठ खड़े हुए तो मुझे भी उनके साथ ही उठना पड़ा, जिसके बाद हम मिलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे दुकान से जाते ही रामू काका भी तुरंत दुकान बंद कर दिए। घर की तरफ आगे बढ़ते वक्त मैं जब अपने दोस्तों की ओर देखा तो उनका चेहरा डर की वजह से उतरा उतरा सा था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या हुआ यार तुम लोग डर क्यों रहे हो और रामू काका जो बोल रहे थे उसका मतलब क्या है। मेरी ये पूछने पर आगे तो मेरे दोस्त ने सुबह बताऊंगा ये कहकर मेरी बात को टाल दिया, मगर मेरे काफी जिद करने पर अनिल ने बताना शुरू किया। कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। रात के वक्त गांव में जगह जगह पर काले जादू की सामग्रियां मिलती हैं और उन चीज़ों को अगर कोई इंसान छू देता है तो उसकी मौत पक्की है। इस वजह से आजकल गांव का कोई भी आदमी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहता, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए। अनिल की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा क्योंकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। तो मुझे हंसता हुआ देख मेरे दोस्त अनिल ने मुझसे कहा, भाई ऐसे हंसकर किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस पर मैंने अनिल से कहा, मैं तेरी तरह डरता वरता नहीं हूँ। जिसके बाद हम दोबारा से घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक अनिल चिल्ला उठा। तो इस तरह अनिल को चिल्लाता देख हम एकदम से हैरान हो गए, जिस पर मैंने अनिल से कहा, क्या हुआ अनिल तू चिल्ला क्यों रहा है। इस पर अनिल ने अपने हाथों का इशारा करके जमीन की ओर देखने को कहा, वो देख किसी ने काला जादू करके फेंका है। इस पर मैंने जब अपनी निगाहें उस ओर घुमाई जिधर अनिल इशारा कर रहा था तो मैंने देखा कि जमीन पर एक लाल कपड़ा और एक नींबू पड़ा है। उस कपड़े और नींबू को देखकर
अनिल के साथ साथ मेरे बाकी के दोस्त भी डर के मारे कांपने लगे तो मेरे सभी दोस्तों को डरा हुआ देख मैंने उनसे कहा, अरे तुम लोग कितना डरते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना बोलकर मैंने जमीन पर गिरे लाल कपड़े को उठा लिया तो मेरे वो लाल कपड़ा उठाते ही मेरे सभी दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे और मुझे बार बार उस कपड़े को फेंकने के लिए बोलने लगे। तो उनके बार बार बोलने पर मैंने उस कपड़े को रास्ते के किनारे फेंक दिया और अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त मेरे दोस्त मुझे इस तरह से देख रहे थे कि मानो मुझे किसी सांप ने काटा हो, जिसके बाद चलते चलते हम अपने घर चले गए। मगर अभी मैं ठीक था, जिसके बाद मैंने रात का खाना पीना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। दिन भर ट्रेन में सफ़र करने के कारण मैं काफ़ी थक चुका था तो मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी नींद दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली तो इतनी रात गए दरवाजे पर हो रही दस्तक को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया। खैर मैं उठकर दरवाजे के पास गया और आवाज़ लगाते हुए कहा, कौन कौन है बाहर? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं अनिल हूँ, दरवाज़ा खोल। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए अनिल यहाँ पर क्यों आया है। खैर मैंने दरवाज़ा खोला और अनिल से पूछा, क्या हुआ अनिल, तू इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आया है? इस पर अनिल बोला, तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। और इतना कहकर अनिल वहाँ से जाने लगा। मैं भी अनिल के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर अनिल के पीछे पीछे जाने पर मैंने देखा कि अनिल जंगलों की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस लड़के को इतनी रात गए जंगल में क्या दिखाना है। खैर मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। रात के अंधेरे में वो जंगल काफ़ी डरावना दिख रहा था। जंगल से जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद ही अनिल एक जगह पर जाकर एकदम से रुक गया। मैं भी उसके पास जाकर रुका और उससे बोला, क्या हुआ, यहाँ क्या दिखाना है? मगर इस पर अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा मगर तब भी अनिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी मैंने अनिल के कंधे पर हाथ रखकर उसे मेरी तरफ खींचा तो अनिल का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वो अनिल नहीं बल्कि कोई और था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा पूरा जला हुआ था। मैं डर के मारे एकदम से पीछे जाकर गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े आ रहा था और मैं ज़मीन पर पड़े पड़े ही घसीटते हुए पीछे जा रहा था। हालांकि मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं था मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊँगा, जिस वजह से मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और सीधे अपनी घर की दहलीज पर ही रुका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।